हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपका हिंदी में 9 नंबर यानी कि 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के उन 5 महत्वपूर्ण निबंधों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, और इस बार भी इन्हीं 5 निबंध में से आपके निबंध आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में निबंध कैसे लिखना है। अगर इस तरह लिखोगे भैया तो पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता, और एक छोड़िए आधा नंबर भी वो नहीं काट सकता। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत खोना कभी, अभी तो तुझे और आगे जाना है। और जिसने बोला था भाई तुझसे नहीं होगा, उनको भी हमें करके दिखाना है। और अब की बार हिंदी में हमें 100 में 99 लाना है। आप लोग कहेंगे सर 99 क्यों, हम 100 में 100 लाएंगे क्योंकि हम शुभम लेक्चरर वाले योद्धा हैं, ठीक है। तो 100 में 100 भी लेकर आएंगे। आज हम क्लियर कर देते हैं 12th हिंदी का 9 नंबर, पहले हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं आपको बहुत सारी क्लासेस दे चुका हूं, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला निबंध अगर बात किया जाए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग सोचें, तो फर्स्ट हमारा निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये निबंध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो ये निबंध कई बार एग्जाम में आ चुका है। लेकिन निबंध में आपको यह समझना है कि आखिर निबंध हम लिखते कैसे, उसमें कैसे हेडिंग डालते हैं। जैसे निबंध लिखते समय सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, फिर लास्ट में उपसंहार होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक निबंध लिखा है मैंने, उसको मैं आपको बताऊंगा। उस तरह अगर लिखकर आओगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। पहले यह जान लो कि कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है। और निबंध में कुछ नहीं होता, किसी भी टॉपिक पर निबंध दे दिया जाए आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ तरीका समझिए, ठीक है। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर निबंध आपको लिखना है, यानी कि जो हमारा विज्ञान है, ठीक है, ये आपके लिए वरदान है या अभिशाप है। ये हमारे लिए वरदान भी है क्योंकि ये हमें स्मार्टफोन इसने दिया, कंप्यूटर दिया, जिसकी सहायता से हम घर बैठे ऑनलाइन पैसा भी कमा सकते हैं और सबसे बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे लिए अभिशाप भी है भैया विज्ञान, ठीक है। जैसे विज्ञान में बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लालच में एडवर्टीजमेंट से एडल्ट चीजों को दिखाते हैं जो बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। अभी मैं इसको आपको लिखकर भी बताऊंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है हमारा भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। हमारे भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इस समस्या पर आपको निबंध लिखना है कि भैया भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है ये कैसी है, इसको कैसे नियंत्रित करें, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। देखिए आप अगर निबंध सर्च करेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप शुभम लेक्चरर, आप बोल देंगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। मैंने आपको top 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को भी एक वीडियो में बताया, आप लोग सर्च कीजिए क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिलेगा। 3 निबंध मैंने एक ही वीडियो में लिखना सिखाया है, देखो क्या कर रहे हो। इसमें देखिए हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा निबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। देखिए हमारा पर्यावरण जो है ये लगातार प्रदूषित हो रहा है, इस समस्या का कैसी समस्या और इसका समाधान कैसे करें, तो पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है। पहला हेडिंग प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, फिर प्रदूषण को रोकने के उपाय, इसके समाधान, ये सारी चीजें हेडिंग डालिए, काम खत्म। चौथा आतंकवाद समस्या और समाधान। भाई आतंकवाद कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है आप सभी को पता है, आप जानते हैं कि हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस आतंकवाद से पीड़ित है, और ये जो है समस्या है, कैसी समस्या, इसका समाधान कैसे करें, इस पर निबंध लिखना, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। पांचवा देखिए भारत में बेरोजगारी की समस्या। हमारे भारत में बेरोजगारी, बहुत सारे यूथ हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इस समस्या पर भी आपको निबंध लिखना आना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है।
तो ये तो थे आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे निबंध बताए, मतलब विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, भारत में बेरोजगारी, ठीक है, ऐसे भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, टॉप 5 आतंकवाद पर, ठीक है, इन सब पर निबंध मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं कि आखिर निबंध को लिखते कैसे, तो इन्हीं 5 निबंधों में से मैंने एक निबंध लिया है, इन 5 निबंधों में से मैंने एक निबंध लिया है, उस पर हम निबंध लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। और कौन सा निबंध हम लिखेंगे, देखो भैया हम निबंध लिखेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप। जो साइंस है, जो विज्ञान है, ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, ठीक है, हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। अगर ये वरदान है भैया तो कौन कौन से क्षेत्र में वरदान है, तो देखो कोई भी निबंध लिखो, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना। देखिए निबंध में हेडिंग बहुत अच्छे से आपको डालना है, आप अंदर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिख देते हैं नो प्रॉब्लम, नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन जहां तक हो सके आप सटीक लिखिए और हेडिंग खूब अच्छे से डालिए, जितना अच्छा निबंध दिखेगा उतने अच्छे नंबर भी मिलेंगे। पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, इसमें आपको विज्ञान के बारे में बताना है। देखो आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है, मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं, दुर्जेय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी है। विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। तो ये तो आपका प्रस्तावना हो गया। दूसरा हेडिंग विज्ञान वरदान के रूप में, आखिर ये हमारे लिए वरदान क्यों है। देखो आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है, प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। देखो भैया पंखा, प्रकाश, देखो प्रकाश, लाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट ना होती तो चारों तरफ अंधकार होता, तो ये सब विज्ञान की देन है। प्रकाश हो गया, पंखा हो गया, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर, और यहां तक कि शीशा, कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो, आज जितने भी साधनों का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, सब विज्ञान की ही देन है। आज लाइट ना होता तो क्या होता, पंखा, एसी, कूलर ना होता तो गर्मी में क्या होता, हीटर ना होता ठंडी में क्या होता, रिक्शा, साइकिल, यहां तक छोड़ो पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, अब तो भाई रेल, कार, बस, हवाई जहाज सारी चीजें हैं, उससे यात्रा करें भाई, कितना इजी हो गया, टाइम भी बच रहा है, वो ज्यादा अच्छा रहता है। विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्न है। देखिए आखिर विज्ञान किन किन क्षेत्र में वरदान है बताइए। देखिए एक एक को लिखेंगे। यातायात के क्षेत्र में प्राचीन काल में मनुष्यों को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। पहले भाई लंबी यात्रा अगर आपको तय करनी है तो सालों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी कायापलट हो गई है। तो ये यातायात के क्षेत्र में भाई जो पैदल लोग चलते थे अब वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं। दूसरा संचार के क्षेत्र में बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। पहले भैया चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी पोस्टमैन लेके जाता था, उसको देता था। मान लीजिए गलती हो गई, आपने चिट्ठी लिखना आप भूल गए, आपके यहाँ शादी है और आपने आज चिट्ठी लिखी, कल शादी है, तो पता लगेगा जब तक चिट्ठी पहुंचेगी शादी वादी सब हो चुकी है, ठीक है, सारा प्रोसेस हो चुका है। तो पहले से बहुत ज्यादा, आप तो व्हाट्सएप पे मैसेज किए भैया शादी आ जाना, या फिर कोई भी फंक्शन है आ जाना, आ गए, ठीक। तीसरा दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में लिखिएगा, दैनिक नहीं, दैनिक, ये नीचे वाला, ठीक है। विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है, बहुत बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है लिख दीजिएगा, ठीक है। वो हमारे कपड़े धोती है, गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। देखिए गर्मी सर्दी में आपको समान रखती है, गर्मी में आप एसी का यूज कर सकते हैं, सर्दी में आप किसका, हीटर का, गीजर का यूज करते हैं, इस सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कपड़े धोती है भाई, वाशिंग मशीन, ये सब विज्ञान की ही देन है, ये ना होता तो आज हाथ से ही रगड़ रहे होते हैं। चौथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। इन सबका इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। पांचवा देखो
औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में संभव हुआ है। ठीक है, तो भैया मशीनों के द्वारा जो पहले लोग लेबर्स काम करते थे, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगता था, अब मशीनें एक एक आ गई हैं। ठीक है, चौथा, छठवां, कृषि के क्षेत्र में लगभग 139 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। सातवां देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, VCR, DVD आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है। अब विज्ञान अभिशाप के रूप में देखिए, अभी हमने पढ़ा विज्ञान वरदान क्यों है, तो विज्ञान वरदान कई क्षेत्र में, यातायात, दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, औद्योगिक, कृषि, सब में हमारे लिए, मनोरंजन, शिक्षा, ठीक है। अब अभिशाप क्यों है, देखो विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तथा साधन है, मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल होती है तो वह मानव कल्याण से कार्य किया करता है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो औद्योगिक प्रगति में पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। साथ ही गैसों के रिसाव से अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं। देखो भैया, विज्ञान जो है, पहले जो वातावरण होता था आज के 20-30 साल पहले बहुत शुद्ध होता था। विज्ञान ने आपको 101 गाड़ियां दी, कारखाने दिए और भी सारी चीजें दी, तो उससे जो धुएं निकलते हैं वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो अगर विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी। जैसे आपको उसने फोन दिया, आप फोन यूज कर रहे हैं, उसको पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, आपका बेनिफिट हो रहा है। अगर आप उसी को कुछ और देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं भाई, तो आपका नुकसान होगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो विज्ञान एक तलवार है, इससे चाहे तो आप खुद की आत्मरक्षा भी कर सकते हैं और खुद का भी पार्ट कट कर सकते हैं। उपसंहार, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके उपयोगिता का है। आप कैसे यूज कर रहे हैं आपके ऊपर है, क्योंकि आपके ही हाथ में है। आप अगर फोन है उसको सही जगह यूज कर रहे हैं तो आपके हाथ में है, आप जो चाहे उससे कर सकते हैं। तो इसमें दोष विज्ञान का नहीं है, आप यूज कर रहे हैं, उपयोगकर्ता का ही दोष होता है। ठीक है, आगे देखिए, विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार के फे बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्ध की ओर ले जा सकता है। यही उपसंहार हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो आज के क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस क्लास में हमने जाना क्लास 12 हिंदी के टॉप 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध को, और निबंध कैसे लिखते हैं। हमने विज्ञान वरदान और अभिशाप टॉपिक पर निबंध भी लिखा। इस तरह लिखोगे भैया पूरे नंबर मिलेंगे। हेडिंग बहुत ध्यान रखना है, हेडिंग अच्छे अच्छे डाल के आप लिख दोगे भाई नंबर पूरा मिलेगा भर भर के। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।